वेलकम बैक, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर। शेर मियाँ आज़ाद आज हमारे साथ हैं और इनकी एक बहुत ही मशहूर व मारूफ कवाली है, नसीबा खोल दे मेरा। और उसकी बड़ी फरमाइशें मुझे, मैंने पहले भी गाता है, MCR से भी आ रही हैं और मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर करें, वो मेरी भी बहुत ही फेवरेट है। ठीक है जी, क्योंकि वो एक दुआ है और बैरून मुल्क भी, क्योंकि अल्लाह के हाँ जो दरबार में हाज़िर होकर जो दुआ की जाए, फिर माह रमज़ान है, मेरी तरह से भी सब अल्लाह पाक साहब को खुश रखे और ये मैं आपके लिए नसीबा खोल दे मेरा पेश। बिस्मिल्लाह। Yeah.
क्या बात है शेर भाई, आप बड़े ब्लेस्ड हैं, आपको पता है ना इस चीज का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इट वाज सो गुड। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब हम सुनते हैं कव्वाली तो आपकी जो मतलब एक अंदाज है, जिस तरह से आप गाते हैं और ये पूरा जो एक एम्बियंस होता है, तालियां एंड ऑल दैट, उसकी वजह से हम किसी कहीं और, मैं तो कहीं और चले जाती हूँ किसी और दुनिया के अंदर। जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप गा रहे होते हैं, आपकी क्या हालत होती है, आप कहाँ होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि रोना भी आ जाता है ना, और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब बंदा दिल से पढ़े ना, जब खुद को एक कैफियत हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से फिर जो सुनने वाले पे उन पे रिक्कत तारी हो जाती है, लोगों के ऊपर भी। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी ऑडियंस के अंदर, मतलब आप लोग बैठे हुए हैं और आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपने उनको देखा, वो रोना शुरू हो गए और उसकी वजह से आपके ऊपर वो चीज़। ऐसा भी होता है कभी कभी, मुझे कोई मिसरा आ गया, जैसे पंजतन पाक कसर का कासा पढ़ देने, तो फिर कैफियत और हो जाती है। सही, क्योंकि अल्लाह इस वास्ते को मोड़ता ही नहीं, वो कहते हैं ना, खाली नहीं जाता अल्लाह के दर से जो ये वास्ता डाल। क्या बात है, बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा तो ईमान है इस बात के ऊपर। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपने टीच भी किया है, मतलब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और डेनमार्क क्वीन हेगन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी आपने गोरों को मौसीकी सिखाई। जिस वक्त आप मौसीकी सिखाते हैं तो पहला लेसन क्या देते हैं वैसे उनको? मेरे साथ वो अपना इमरान पीरज़ादा जी गए थे, तो जब फर्स्ट टाइम मैं उधर गया, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक जी बिल्कुल होता है, तो मैंने कहा पता नहीं कैसी क्लास होगी क्या होगा, लेकिन मुझे वो स्टूडेंट दिए गए वहाँ पे। तो पहला जो लेसन है वो यही है कि पहला तो इस्लाम का जो सूफी इज़्म है या जो सूफी का एक कॉल है, वो उनको पहले दर्स दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये पूछते हैं कि ये क्या है। अच्छा ये तो बहुत से लोग सवाल करते होंगे कि ये जो आपका गेटअप है ज़रा डिफरेंट सा है, क्योंकि वो कहते हैं जिसके साथ फिर मौला की ज़ात हो तो उसके हामी नासिर अल्लाह पाक की ज़ात होती है, बेशक। तो फिर मेरा तो पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ ये मेरे मौला अली सरकार का नाम है, पंचतन पाक का, ये जो मैंने पहना हुआ, हो सके तो आप भी पहने। राइट, उसके बाद फिर कॉल से, क्योंकि ये कव्वाली कॉल से सही। थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी मैंने पहले भी प्रोग्राम में की है कि ये कॉल जो है, असल में लोग कहते हैं कि कॉल क्या है, कॉल जो वली का कहना वो कॉल है, लेकिन कई लोग कहते हैं ये तो हदीस है, मन कुन तो मौला, ये आप पढ़ते हैं। तो कॉल जो लफ्ज़ है ये एक म्यूजिक की सिन्फ है, ठीक है, जिसको हम कॉल कहते हैं। राइट, और कॉल से, और कॉल कॉल तो कहते हैं ना सेइंग को, जो किसी ने कहा हो बेसिकली, तो वो फिर जाहिर है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हदीस है, सही, ठीक है, और लेकिन और है हदीस मुबारका है, बिल्कुल बड़ी मुस्तनद, और फिर इसको कॉल क्यों कहते हैं? तो कॉल जो है ये सूफी का पैगाम है, लेकिन कॉल जो इसको असल ही इसकी मीनिंग्स ये है कि ये म्यूज़िक की सिन्फ है कॉल, सही, जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने कव्वाली में सिन्फ़ें बहुत सी हैं, 12 हैं, बिल्कुल, उसमें ये फर्स्ट पे है कॉल। अच्छा, तो ये उनको समझाया, फिर मन कुन तो मौला, फिर सखी शाहबाद गंदर सरकार की एक धमाल थी, फिर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिखर सरकार का कलाम था, ऐसे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चलता। अच्छा एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था, जिस वक्त आप बात कर रहे थे, जिस वक्त आप बात करते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, मगर जिस वक्त आप पढ़ते हैं तो आपकी वो जो एक श्रिल एक एलिमेंट आता है उसका, ये किस तरह से है? मतलब ये कोई, ये भी मैं कहती हूँ रब की अता ही है, ये रब की अता है, मौला का करम है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे से ऐसे भी नहीं होगा, लेकिन पता नहीं क्या है वो जज्बा है, उस नाम की ये बरकत है, ये आपके सामने ही है, क्योंकि ये लाइव जा रहा है, रिकॉर्डेड तो है ही नहीं, तो मैं खुद भी होता हूँ, हाँ। खुश भी होता हूँ, हैरान भी होता हूँ कि जब मैं गाता हूँ तो ये सीधा सीधा कैसे हो जाता है, तो ये मालिक का करम है। मतलब आपकी वैसे भी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, मगर मेरे कहने का मकसद है कि जिस वक्त आप गाते हैं उस वक्त टोटली एक डिफरेंट फील आ रही होती है, निस्बतन ये कि आप जब एक मतलब एक वजद सर खुद भी आप पे होता है और लोगों पे भी तारी होता है। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा और जाहिर हमारे साथ हैं तो और बहुत कुछ सुनेंगे। आज हमने इनको इतनी जल्दी नहीं जाते थे ना, आज आधा घंटा और है हमारे साथ, ये रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात।